देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। खबरों की दुनिया में एक नई पहचान के साथ हम आ चुके हैं आप सभी के बीच। 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। गोपीगंज की गिराई क्षेत्र के निवासी मन्नी देवी पत्नी शंकर बिंद से अपनी जमीन कब्जा करने की मांग में जिले के आला अधिकारियों का चक्कर लगा रही थी। महिला का आरोप है कि मामले के निपटारे के लिए क्षेत्र का लेखपाल 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। गरीबी की वजह से पैसे न देने पाने के कारण अपनी ही जमीन से बेदखल थी। काफी दिनों से निराश होने के बाद वह बुधवार को अपने दो बच्चों कंचन व सूर्यबली के संग कलेक्ट्रेट परिसर के पास मौजूद पानी की टंकी पर चढ़ गई और जान देने की धमकी पर आनन फानन प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए और कार्रवाई का आश्वासन देकर नीचे उतारा। भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अरे तो आओ तो तुम्हारी जमीन दिलाएंगे, नीचे आओगे तब ना। आ जाओ हम चल रहे हैं, चलो आ जाओ हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, अभी चल रहे हैं तुम्हारे साथ, आओ नीचे आओ तुम्हारे साथ चल रहे हैं तुम्हारे घर पे। अरे हम सुनवाई करेंगे ना, नीचे उतरो तुम्हारे साथ हम चल रहे हैं तुम्हारे घर पे। ये सब लोग ये सारे पुलिस वालों को लिवा के तुम्हारे घर पे चल रहे हैं, आओ नीचे आओ। में यह आया कि इस महिला ने किसी से जमीन खरीदी है, उसका नामांतरण हमारे यहाँ हो गया था और उसकी कोई पैमाइश संबंधी समस्या है, जबकि आज के दिनांक में उसका डेट लगा हुआ था कि आज पैमाइश करने जाएंगे। पता नहीं किसी कृपया उपद्रवी लोगों के उकसाने पर ये ऊपर टंकी पर चढ़ गई, जबकि इसको इस समय तहसील में होना चाहिए था जहां आज इसके लिए टीम जा रही थी। सर वो महिला कह रही थी पिछले 4 महीने से वो तहसील का चक्कर काट रही है, कोई सुनवाई नहीं, इसलिए उसने ऐसा करा। नहीं, मेरे पास तो अब तक कोई ऐसी प्रकार संज्ञान में नहीं आया, अगर आता तो मेरे यहाँ डेली टीमें जाती हैं, डेली पैमाइश हो रही है। उसने एक लेखपाल पे आरोप भी लगाया कि उसने 10,000 रुपए की मांग की। अगर ऐसा कोई आरोप है तो उसकी मैं विधिवत जांच कराऊंगा, वैसे समय ऐसा कुछ नहीं है।